वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मंथली करंट अफेयर्स 200 एमसीक्यू क्वेश्चंस पार्ट 3 थर्ड वीक अप्रैल टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस। दोस्तों इस कंप्लीट वीडियो का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। तो अगर आप रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, बैंक, स्टेट पुलिस एंड अन्य किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो हमसे जुड़िए और हमारा चैनल एमजी मनीष गुरु को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बाय विच ईयर नासा हैज प्लान्ड टू सेट अप आर्टेमिस द फर्स्ट ह्यूमन बेस कैंप इन द साउथ पोल ऑफ द मून। ऑप्शन 2022, 2025, 2023, 2024। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी 2024। नासा के फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा कब एस्टेब्लिश किए गए? 29 जुलाई 1958 में। नासा के हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट में। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट क्लिनिकल ट्रायल प्लाज्मा थेरेपी फॉर कोविड-19। ऑप्शन तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी केरला। केरला के सीएम कौन है? पिनरई विजयन। कौन है? पिनरई विजयन। और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरला के कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरला स्टेट कब एस्टेब्लिश किए गए? तो 1 नवंबर 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड ए डिजिटल स्टेथोस्कोप कॉल्ड आयुष टू चेक पेशेंट्स हु आर इन्फेक्टेड विथ कोविड-19। ऑप्शन आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, एम्स। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर कौन है? सुभाषीष चौधरी। और आईआईटी बॉम्बे कब एस्टेब्लिश किए गए? 1958 में। आईआईटी कानपुर कब स्थापित किए गए? तो 1959 में। और आईआईटी खड़गपुर कब स्थापित किए गए? तो 18 अगस्त 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन राजकिरण राय जी, वीरूपक्ष मिश्रा, गोकुल नंदा दास, गोपाल सिंह गुसैन। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी वीरूपक्ष मिश्रा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कब स्थापित किए गए? तो 11 नवंबर 1919 में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ कौन है? राजकिरण राय जी। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज सेट अप इंडियाज फर्स्ट रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम इन ऋषिकेश। ऑप्शन एम्स, आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए एम्स। एम्स के फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। एम्स कब स्थापित किए गए? 2 जून 1956 न्यू दिल्ली में। ऋषिकेश कहां है? तो ऋषिकेश उत्तराखंड में है। आईआईटी रुड़की कब स्थापित किए गए? तो 1847 में। और आईआईटी खड़गपुर कब स्थापित किए गए? तो 18 अगस्त 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विल एक्सपोर्ट वीट टू विच कंट्रीज विच G2G एग्रीमेंट। ऑप्शन अफगानिस्तान एंड यूएसए, लेबनान एंड लीबिया, अफगानिस्तान एंड लेबनान, यूएसए एंड मेक्सिको। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी अफगानिस्तान एंड लेबनान। G2G के फुल फॉर्म क्या है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। इस समझौता के तहत भारत अफगानिस्तान और लेबनान को लगभग 1 लाख टन गेहूं निर्यात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी रैंक्ड एज टॉप स्मार्ट सिटी इन इंडिया फॉर इट्स एग्जीक्यूशन ऑफ स्मार्ट प्रोजेक्ट्स इन हैंडलिंग कोविड-19 पैंडेमिक। ऑप्शन त्रिची, इंदौर, अहमदाबाद, हैदराबाद। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? तो गुजरात में है। गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपानी। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात स्टेट कब एस्टेब्लिश की गए? तो 1 मई 1960 में। त्रिची कहाँ है? तमिलनाडु में है। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्चेस नियर बाई स्पॉट टू हेल्प यूजर्स टू फाइंड लोकल स्टोर्स। ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट, गूगल,
याहू, बिंग। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, गूगल। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। गूगल के हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में। और गूगल कब स्थापित किए गए? तो इट वॉज फाउंडेड इन 4 सितंबर 1998। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला। और माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट में। माइक्रोसॉफ्ट कब स्थापित किया गया? सो इट वॉज फाउंडेड इन 4 अप्रैल 1975। गूगल की फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन विच डे? ऑप्शन 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी, 15 अप्रैल। यह दिवस क्यों मनाया जाता है? कला की विकास, प्रसार और आनंद को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है। और 14 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है? वर्ल्ड चेगस डिजीज डे। कौन सा दिवस? वर्ल्ड चेगस डिजीज डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेबिनार सीरीज टाइटल हैशटैग देखो अपना देश हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, नन ऑफ दिस। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। हमारी टूरिज्म मिनिस्टर कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। और हमारे एचआरडी मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट पूल टेस्टिंग ऑफ कोविड-19 सैंपल्स? ऑप्शन दिल्ली, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदी बेन पटेल। उत्तर प्रदेश स्टेट कब स्टेब्लिश किए गए? तो 24 जनवरी 1950 में। उत्तर प्रदेश स्टेट से इंपोर्टेंट नेशनल पार्क कौन से है? दुधवा नेशनल पार्क। दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के एलजी कौन है? अनिल बैजल। वेस्ट बंगाल के सीएम कौन है? ममता बनर्जी। और वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है? जगदीप धनकर। कौन है? जगदीप धनकर। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड कोविड सैंपल कलेक्शन KIOS के कॉबसैट? ऑप्शन DRDO, बार्क, NCSES, नन ऑफ दिस। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, DRDO। DRDO के फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO के हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। DRDO कब स्थापित किए गए? तो 1958 में। DRDO के प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। बार के फुल फॉर्म क्या है? बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बार के हेडक्वार्टर कहाँ है? ट्रॉम्बे, मुंबई में। और बार्क कब स्टेब्लिश किए गए? 3 जनवरी 1954 में। और बार्क के डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती। कौन है? डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन नवंबर दिस ईयर? ऑप्शन थाईलैंड, इंडिया, रशिया, नन ऑफ दिस। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंडिया। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। और थाईलैंड की करेंसी क्या है? थाई भाट। रशिया के कैपिटल क्या है? मॉस्को। और रशिया की करेंसी क्या है? रूबेल। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर कहाँ है? एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? अजय सिंह। कौन है? अजय सिंह। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू यूज एलोपैथी एंड आयुर्वेदा टू बूस्ट द इम्यूनिटी ऑफ कोविड-19 पेशेंट? ऑप्शन दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोवा। गोवा के कैपिटल क्या है? तो पानाजी। और गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। और गोवा कब स्टेब्लिश किए गए? तो 30 मई 1987 में। दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के एलजी कौन है? अनिल बैजल। यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है? आनंदी बेन पटेल। महाराष्ट्र के सीएम कौन है?
उद्धव ठाकरे और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोशियार। दोस्तों आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है कि इस संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को और भी विस्तार चर्चा और स्पष्टीकरण चर्चा इंटरैक्टिव इमेज पिक्चर के साथ से समझने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एमजी मनीष गुरु, यूट्यूब चैनल एमजी मनीष गुरु के डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करें। इससे आपके आने वाले एग्जाम में 100% सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ केयर रेटिंग? ऑप्शन निकेश अरोरा, अजय महाजन, राजेश बख्शी, अमिताभ चौधरी। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, अजय महाजन। केयर की फुल फॉर्म क्या है? क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। यह क्या है? तो यह एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ एम निर्मला सीतारमन अटेंड्स द सेकेंड G20 FMCBG मीटिंग। द मीटिंग वॉज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन सऊदी अरबिया, मैक्सिको, इंडिया, जापान। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, सऊदी अरबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा सऊदी अरबिया के कैपिटल क्या है? तो याद है सऊदी अरबिया के करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। FMCBG के फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर। क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर। G20 क्या है? अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है जो इस महाद्वीप से विकसित और विकासशील दोनों देशों के नेताओं को एक साथ लाता है। G20 का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ 20 कंट्री। कौन कौन से? सेंट्रल बैंक गवर्नर फ्रॉम 19 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन। G20 2020 कौन होस्ट करेगा? तो सऊदी अरबिया। 2020 सऊदी अरबिया। और 2021 कौन करेगा? तो इटली करेगा। और 2022 कौन करेगा? तो इंडिया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 44th सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी पोस्टपोन्ड ड्यू टू COVID-19। हु इज द डीजी ऑफ यूनेस्को? ऑप्शन एउड्रे अजोले, इरना बुकवा, फेडरिको मतशुरा। नन ऑफ दिस। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, एउड्रे अजोले। यूनेस्को UNESCO के फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एडुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? यूनाइटेड नेशंस एडुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को के हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस फ्रांस में। यूनेस्को कब स्थापित किए गए? 16 नवंबर 1945 में। यूनेस्को एक संयुक्त राष्ट्र संघ का एक हिस्सा है। यूनेस्को में कितने मेंबर हैं? 193 मेंबर कंट्रीज। यूनेस्को का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य साइंस एडुकेशन एंड कल्चर में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के योगदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ पीटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड? ऑप्शन सतीश कुमार गुप्ता, विजय शेखर शर्मा, विनीत अरोरा। नन ऑफ दिस। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, विनीत अरोरा। पेटीएम कब स्थापित किए गए? पेटीएम किए गए हैं 2010 में। इसके फाउंडर कौन है? विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा इसके फाउंडर हैं। और पेटीएम के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नोएडा, उत्तर प्रदेश में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो अजय शेखर शर्मा। फाउंडर हैं, फाउंडर एंड सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा और इसके प्रेसिडेंट है अजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज अनाउंस टू वेब सर्विस चार्जेस फॉर ऑल एटीएम ट्रांजेक्शन? ऑप्शन आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऐप बिकम्स द फास्टेस्ट एवर मोबाइल ऐप ग्लोबली टू बी डाउनलोड बाई 50 मिलियन यूजर्स? ऑप्शन सहयोग ऐप, प्रज्ञाम ऐप, आरोग्य सेतु ऐप, राजकोप ऐप। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु भारत सरकार द्वारा आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को भारत के लोगों से जोड़ने के लिए विकसित एक मोबाइल एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विंस द 13th इंटरनेशनल अरब फिक्शन प्राइज 2020? ऑप्शन हसन औरित,
अब देलियु हब असुई केवल अलरेज सलीम बराकत। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी अब देलियुब असुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्होंने यह प्राइज क्यों जीता, क्योंकि 2018 में इनका एक नोबेल प्रकाशित हुआ था, उसका नाम था द स्पार्टन कोट, द स्पार्टन कोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा पावर विंस द एडिशन अवार्ड फॉर सोशल इनोवेशन, हु इज द सीईओ ऑफ टाटा पावर। ऑप्शन संजय बंगा, आशीष खन्ना, टीवी नरेंद्रम, प्रवीण सिन्हा। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रवीण सिन्हा। टाटा पावर की हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में है, और टाटा पावर कब स्थापित किए गए, तो 1911 में। टाटा पावर को किस अभियान के लिए अवार्ड दिया गया, क्लब एनर्जी, हैशटैग स्विच ऑफ टू स्विच ऑन अभियान के लिए पुरस्कार दिया गया। कौन सा है, हैशटैग स्विच ऑफ टू स्विच ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड सीजी हट वेबसाइट टू प्रोवाइड होम डिलीवरी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन। ऑप्शन छत्तीसगढ़, हरियाणा, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है, अनुसुईया उकाई। छत्तीसगढ़ स्टेट कब एस्टेब्लिश किए गए, 1 नवंबर 2000 में। छत्तीसगढ़ में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन से हैं, तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क, और दूसरा कौन सा है इंद्रावती नेशनल पार्क। पहला कौन सा है कांगेर घाटी नेशनल पार्क, दूसरा है इंद्रावती नेशनल पार्क। हरियाणा के सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा के गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। जम्मू कश्मीर के एलजी कौन है, जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय WWF इंडिया एज इट्स एम्बेसडर फॉर द एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। ऑप्शन विदित गुजराती, विश्वनाथन आनंद, सूर्य शेखर गांगुली, कृष्णन शशिकरण। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद कौन है, तो ये वर्ल्ड चेस चैंपियन है। WWF के फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड फंड। WWF की हेडक्वार्टर कहाँ है, तो क्लैंड स्विट्जरलैंड में, और WWF कब एस्टेब्लिश किए गए, तो 29 अप्रैल 1961 में, और इसके डायरेक्टर कौन है, तो मार्को लैब्रेटिनी। कौन है, मार्को लैब्रेटिनी। विश्वनाथन आनंद किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। इस वर्ष WWF भारत में अपने संरक्षण की 50वें वर्ष का जश्न मना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड होम्योफिलिया डे ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन विच डे। ऑप्शन 15 अप्रैल, 17 अप्रैल, 19 अप्रैल, 10 अप्रैल। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी 17 अप्रैल। इसके थीम क्या है, गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। क्या है, गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। और 2019 के इसके थीम क्या थे, आउटरीच एंड आइडेंटिफिकेशन। 15 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है, तो वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है, और 10 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैस्कॉट फॉर हंजियू 2020 एशियन पैरा गेम्स। ऑप्शन फेफे, मोमो, मिराई टुआ, नन ऑफ दिस। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए फेफे। एशिया पैरा गेम्स कहां खेला जाएगा, तो चाइना में, चाइना के हंजाओ शहर में। एशियन पैरा गेम्स के हेडक्वार्टर कहां है, तो कुलालंपुर मलेशिया में, और इसके प्रेसिडेंट कौन है, ओशोत बभिलिया। कौन है, ओशोत बभिलिया। और 2022 में कहां खेला जाएगा, हंजू चाइना में, और 2026 में नागोया जापान में। 2026 में कहां पे, नागोया जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज टेकन ओवर एडिशनल चार्ज एज सीएमडी ऑफ महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड MTNL। ऑप्शन सुनील कुमार, पीके पुरवार, अपुनम श्रीवास्तवा, नन ऑफ दिस। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी पीके पुरवार। MTNL के हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है। MTNL कब एस्टेब्लिश किए गए, तो 1 अप्रैल 1986 में। पीके पुरवार को BSNL के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक है। इनको MTNL के CMD के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर
इनोग्रेटेड कोविड-19 टेस्टिंग मोबाइल वैन इन बेंगलुरु। ऑप्शन इटा पड़िकी के पलनीस्वामी, बीएस यदुरप्पा, पिनरई विजयन, नन ऑफ दिस। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, बीएस यदुरप्पा। ये कर्नाटक के सीएम है और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? वजुभाई बाला। कर्नाटक कब एस्टेब्लिश किए गए? तो 1 नवंबर 1956 में। अच्छा, कर्नाटक के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो पहला है बंदीपुर नेशनल पार्क और दूसरा है बानेरघाटा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है IWF चीफ तमन अजन रिजाइंस ड्यूरिंग करप्शन इन्वेस्टिगेशन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IWF? ऑप्शन बुदापेस्ट, मॉस्को, बीजिंग, नन ऑफ दिस। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, बुदापेस्ट। बुदापेस्ट कहाँ है? तो हंगरी में है। हंगरी की करेंसी क्या है? हंगरियन फॉरेंट। क्या है? हंगरियन फॉरेंट। हंगरी एक यूरोपियन कंट्री है। IWF की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। IWF कब स्थापित किए गए? सो इट वॉज फाउंडेड इन 1905। मॉस्को की कैपिटल क्या है? मैक्सियो सिटी। और करेंसी क्या है? मैक्सियन पेसो। और बीजिंग किस कहाँ है? तो चाइना में है। और चाइना के करेंसी क्या है? तो रैन मिन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च्ड किसान रथ मोबाइल ऐप? ऑप्शन नरेंद्र सिंह तोमर, अमित शाह, नितिन गडकरी, गिरिराज सिंह। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ये कौन है? तो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है और अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर है, नितिन गडकरी हमारे सड़क परिवहन मंत्री है, गिरिराज सिंह पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री है। यह ऐप केवल लॉन्च किया गया है तो लॉकडाउन के दौरान खाद्यान्नों और पेरी सेल्स के परिवहन की सुविधा के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हेरिटेज डे 2020 इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन विच डे? ऑप्शन 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 15 अप्रैल, 20 अप्रैल। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, 18 अप्रैल। इसकी थीम क्या है? शेयर्ड कल्चर्स, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसके ब्रॉड रिपीट करते हैं, इसकी थीम क्या है? शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। और 17 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है? तो विश्व होम्योफिलिया डे, वर्ल्ड होम्योफिलिया डे मनाया जाता है। और 15 अप्रैल को हिमाचल डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाउ मच कंपेंसेशन मनी विल बी गिवेन टू ऑल पोस्टल एम्प्लॉयज? ऑप्शन 20 लाख, 50 लाख, 10 लाख, 25 लाख। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, 10 लाख। पोस्ट ऑफिस कब एस्टेब्लिश किए गए? तो 1 अप्रैल 1854। और उसके हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स डेवलप्ड कोविड-19 डायग्नोस्टिक टेस्ट किट चित्रा जीन लैंप एन? ऑप्शन एम्स, बोस इंस्टीट्यूट, SCTIMST, नन ऑफ दिस। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, SCTIMST। इसके फुल फॉर्म क्या है? श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फुल फॉर्म क्या है? श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यह कब स्थापित किए गए? 1976 में। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। एम्स के फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। बोस इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है? तो बोस इंस्टीट्यूट ये कलकत्ता की रिसर्च इंस्टीट्यूट है। कहाँ पे है? कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेप्सिको? ऑप्शन पूनम यादव, स्मृति मंदना, शेफाली वर्मा, मिताली राज। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा ये कौन है? तो यह एक इंडियन क्रिकेटर है। यह किस राज्य से बिलोंग करती है? तो रोहतक, हरियाणा से। पेप्सिको, पेप्सिको के सीईओ कौन है? रमन लोगरूटा। और पेप्सिको के हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट। पेप्सिको कब एस्टेब्लिश किए गए? 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है OBICUS has been launched by which regulatory body of India? ऑप्शन सेबी, RBI, NABARD, none of this। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, RBI। RBI के फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास। RBI के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। RBI कब एस्टेब्लिश किया गया? 1 अप्रैल 1935 में। सेबी के फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है।
सेबी के चेयरमैन कौन है? तो अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी। सेबी कब स्टेब्लिश किए गए? तो 12 अप्रैल 1992 में। नबार्ड के फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नबार्ड के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। और नबार्ड कब स्टेब्लिश किए गए? तो 12 जुलाई 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लॉन्च एन ऐप टू हेल्प द पीपल हु आर स्ट्रैंडेड अक्रॉस द कंट्री ड्यू टू लॉकडाउन? ऑप्शन झारखंड, दिल्ली, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, झारखंड। झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। और झारखंड के गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। झारखंड कब एस्टेब्लिश किए गए? तो 15 नवंबर 2000 में। झारखंड से इंपोर्टेंट नेशनल पार्क कौन से हैं? बिटला नेशनल पार्क। दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के एलजी कौन है? अनिल बैजल। तेलंगाना के सीएम कौन है? केसी राव, के चंद्रशेखर राव। और गवर्नर कौन है? तमिलीसाई सौंदरा राजन। कौन है? तमिलीसाई सौंदरा राजन। यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यूपी के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल डॉक्टर बूथ दैट वाज डेवलप्ड बाय वेस्ट सेंट्रल रेलवे? ऑप्शन समर्थन, सहगुण, सम्राट, चरक। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी, चरक। वेस्ट सेंट्रल रेलवे के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जबलपुर में है। यह चरक मोबाइल डॉक्टर बूथ क्यों बनाया गया? ताकि डॉक्टर और कोरोना वायरस संक्रमित रोगों की बीच शारीरिक संपर्क की संभावना को खत्म किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड बिकम्स इंडियाज फर्स्ट क्वारंटाइन सेंटर फॉर एनिमल्स? ऑप्शन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यह भारत का सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कब एस्टेब्लिश किए गए? तो 1936 में। अच्छा, उत्तराखंड, उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड कब एस्टेब्लिश किए गए? 9 नवंबर 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट ग्लोबल एनुअल इवेंट ऑफ वर्ल्ड वॉइस डे इज ऑब्जर्व्ड? ऑप्शन 12 अप्रैल 13 अप्रैल 16 अप्रैल 18 अप्रैल। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, 16 अप्रैल। इसके थीम क्या है? फोकस ऑन योर वॉइस। थीम क्या है? फोकस ऑन योर वॉइस। और इस दिन के उद्देश्य क्या है? इन दिन का उद्देश्य है लोगों के दैनिक जीवन में आवाज के महत्व को दर्शाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्राइवेट बैंक हैज लॉन्च्ड ए सेफ्टी ग्रिड कैंपेन फॉर सोशल डिस्टेंसिंग? ऑप्शन आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? आदित्य पुरी। एचडीएफसी बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। और एचडीएफसी बैंक कब एस्टेब्लिश किए गए? अगस्त 1994 इंडिया में। आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। और आईसीआईसीआई बैंक के हेडक्वार्टर क्या है? तो मुंबई में है। एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। बंधन बैंक के सीईओ कौन है? चंद्रशेखर घोष। कौन है? चंद्रशेखर घोष। और बंधन बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिसर्च इंस्टीट्यूट इंक्स एज एमओयू विथ किंग जॉर्जियस मेडिकल यूनिवर्सिटी टू सीक्वेंस वायरस स्ट्रेन्स? ऑप्शन सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, नन ऑफ दिस। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑप्शन ए, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कब एस्टेब्लिश किए गए? तो 1951 में। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लखनऊ, यूपी में। और दूसरा नंबर है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल रिसर्च, या इसके हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में। और यह कब एस्टेब्लिश किए गए? 16 जुलाई 1929 में। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में, बेंगलुरु कर्नाटक में। और यह कब एस्टेब्लिश किए गए? 27 मई 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट ए आई आई बी विल फाइनेंस ए प्रोजेक्ट इन इंडियाज नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम्स रोबोट्स? ऑप्शन $600 मिलियन, $700 मिलियन, $400 मिलियन, $500 मिलियन।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 500 मिलियन डॉलर। AIIB के फुल फॉर्म क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। AIIB के प्रेसिडेंट कौन है? जीन लिंक्विन। कौन है? जीन लिंक्विन। AIIB के हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग चाइना में। AIIB कब एस्टेब्लिश किए गए? 25 दिसंबर 2015 में। AIIB में लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन है? तो चाइना है। और सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन है? इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट रिवर्स रेपो रेट ऑफ आरबीआई? ऑप्शन 4%, 3.75%, 3%, 4.25%। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3.75%। और हमारी रेपो रेट कितने हैं? 4.25%। CRR कितने हैं? कैश रिजर्व रेशियो 3%। SLR कितने हैं? 18%। और रिवर्स रेपो रेट कितने हैं? 3.75%। अगला क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु हैज कंफेयर्ड विद हीरो टू एनिमल्स अवार्ड गिवन बाय पेटा। ऑप्शन अशोक गहलोत, नवीन पटनायक, अमरिंदर सिंह, योगी आदित्यनाथ। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, नवीन पटनायक। ये उड़ीसा के सीएम है। उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। और उड़ीसा के कैपिटल क्या है? तो भुवनेश्वर में है। उड़ीसा स्टेट कब एस्टेब्लिश किए गए? 1 अप्रैल 1936 में। और उड़ीसा के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क कौन से हैं? सिमलीपाल नेशनल पार्क। अशोक गहलोत ये कहाँ के सीएम है? राजस्थान के हैं। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा। कौन है? कलराज मिश्रा। अमरिंदर सिंह ये कहाँ के सीएम है? ये पंजाब के सीएम है। और पंजाब के गवर्नर कौन है? बीपी सिंह बदनोरे। योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम है। और यूपी के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु? ऑप्शन किरण सेठ, वी कृष्ण स्वामी, विक्रम देसाई, अरविंद अधीगा। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, वी कृष्ण स्वामी। ये कौन है? यह एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु कौन है? इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिटिंग हैज बीन मेड ए पनिशेबल ऑफेंस अंडर विच एक्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? ऑप्शन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2006, एनवायरमेंट एक्ट 1986, नन ऑफ दिस। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। और कौन से धारा के तहत यह अपराध घोषित किया गया है? तो धारा 51B के तहत, सेक्शन 51B। और हमारे होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीम मास्क फोर्स इज ए थॉट बाय विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन आईसीसी, बीसीसीआई, एआईएचएफ, नन ऑफ दिस। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, बीसीसीआई। बीसीसीआई के फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? सौरभ गांगुली। और बीसीसीआई के हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। बीसीसीआई कब एस्टेब्लिश किए गए? तो दिसंबर 1928 में। फर्स्ट सीईओ ऑफ बीसीसीआई कौन है? राहुल जोहरी। कौन है? राहुल जोहरी। आईसीसी, आईसीसी के फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और आईसीसी के प्रेसिडेंट कौन है? शशांक मनोहर। और आईसीसी के हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई, यूएई में। आईसीसी कब एस्टेब्लिश किए गए? तो 15 जून 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड लीवर डे ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन विच डे? ऑप्शन 18 अप्रैल, 7 अप्रैल, 19 अप्रैल, 20 अप्रैल। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, 19 अप्रैल। और 18 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे। और 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली जीन डिच पास्ट अवे, ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? ऑप्शन एनिमेशन, फिल्म डायरेक्टिंग, क्रिकेट, बोथ ए एंड बी। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। दोस्तों आप लोगों को मैं दोबारा बता रहा हूं कि इस कंप्लीट क्वेश्चंस के आंसर को और भी विस्तार चर्चा और स्पष्टीकरण चर्चा इंटरैक्टिव इमेज पिक्चर के साथ से समझने के लिए हमारे YouTube चैनल MG मनीष गुरु के डेली करंट अफेयर्स फॉलो करें। इससे आपके आने वाली एग्जाम में 100% सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड ए मोबाइल ऐप उन्नयन मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय?
ऑप्शन केरला, राजस्थान, बिहार, झारखंड। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिहार। बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। बिहार स्टेट कब एस्टेब्लिश किए गए? 1 अप्रैल 1936 में। बिहार से इंपोर्टेंट नेशनल पार्क कौन से हैं? वाल्मीकि नेशनल पार्क। केरला के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। और केरला के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। और गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा। झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। और गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये टोटल कंप्लीट 3rd वीक अप्रैल 2020 50 MCQ क्वेश्चंस है। आप इसको 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए और अपने सुविधा के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में 4th वीक अप्रैल 2020 50 MCQ क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।